हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। डॉक्टर आर के सेठी के जन्म दिवस पर खरखोदा में लगाया नेत्र जांच कैंप। बृहस्पतिवार को खरखोदा में स्थित डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में डॉक्टर आर के सेठी के जन्म दिवस पर डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा के निर्देशन में एक नेत्र जांच कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन डॉक्टर आर के सेठी की धर्मपत्नी डॉक्टर कमला सेठी ने किया। इस मौके पर डॉक्टर आर के सेठी की बड़ी बेटी नवनीता वर्मा भी उपस्थित रही, जिसमें खरखोदा व आसपास के गांव से ग्रामीण अपनी आंखों की जांच कराने के लिए पहुंचे। इस मौके पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल ने मरीजों की आंखों की जांच की। इस मौके पर करीब 150 मरीजों को चश्मे भी उपलब्ध कराए व बाकी सभी मरीजों की आंखों की जांच कर दवाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर प्रियंका पटेल ने कहा कि आँखें अनमोल है, आँखों के बगैर पूरी जिंदगी अंधेरे के समान है। आँखों को अगर लंबे समय तक स्वस्थ व खूबसूरत रखना चाहते हैं तो हरी सब्जियाँ व दूध दही ज़्यादा मात्रा में लेना होगा। इसके अलावा मौजूदा हाल में जो आई फ्लू के मामले चले हुए हैं, इनसे बचने के लिए समय समय पर अपने हाथों को धोएं, हाथों को आंखों से टच न करें। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कहा कि आंखों में खुजली, आंखों से पानी आना, आंखों में रड़कन होना, रीढ़ आना सहित कई तरह के रोगी यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। इस मौके पर धर्मवीर विंसी मिगलानी भी उपस्थित रहे। जो लगाया है क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बार? नमस्कार, आज हमने डॉक्टर अमर सेठी के जन्मदिन के उपलब्ध में यहाँ पे खरखोदा में डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल में आंखों का कैंप लगाया है। इस कैंप में हम पेशेंटों की, मरीजों की आंखों की जांच कर रहे हैं, उनको फ्री में नज़दीक के चश्मे और फ्री में दवाइयाँ भी बांट रहे हैं। किस तरह के रोग सामने आ रहे हैं इस कैंप में? हमें आजकल जो चल रहा है, आंखों का फ्लू चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो आ रहा है नज़र में। बहुत सारे मरीज मोतियाबिंदु के भी आ रहे हैं, चश्मे के नंबर वाले भी बहुत सारा मरीज आ रहे हैं। तो बस इसी तरीके की अलग अलग बीमारियां नज़र में आ रही है और अभी कैंप चल रहा है, देखते हैं आगे आगे क्या क्या बीमारियाँ दिखने में आती है। अब जैसे बात आंखों की है तो रूटीन में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करें? रूटीन में आपको अपनी आंखों को अगर बचा के रखना है, आंखों को संभाल के रखना है, तो आपने अपना सबसे पहले तो खुराक, खाना पीना जो है वो अच्छा होना चाहिए। हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए। अभी जो आंखों का फ्लू चल रहा है उससे बचने के लिए आपने अपने हाथ बार बार पानी से, साबुन से धोते रहना है। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवाइयाँ आँख में नहीं डालनी है। बाकी जब भी धूल मिट्टी में ऐसे जा रहे हैं आप, तो अगर आपको आंखों में एलर्जी की बीमारी है, एलर्जी की दिक्कत रहती है, तो आपने फिर चश्मा लगाना है धूल मिट्टी से और धूप से बचे रहना है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर प्रियंका पटेल हूँ। अभी मैं खरखोदा में आती हूँ डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल में, मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे और बाकी के दिन में सुबह 10 से 2 बजे तक ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत में अवेलेबल होती हूँ। चाचा भतीजे से मारपिटाई का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR। झिंझोली गांव में गांव निवासी सुमित ने अपने चाचा व उसके भतीजे पर उसके साथ मारपिटाई करने का आरोप लगाया है। घायल ने अपना इलाज PGI रोहतक में कराने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुमित का कहना है कि वह अपने प्लॉट में गया था तो उसके चाचा उसे कहने लगे कि अपनी लकड़ी व गेट यहाँ से उतार कर ले जाए। इसके बाद उसको कहा गया कि ये उसने अपने हक में लगा रखी है। ये कहने के बाद जब वह घर आने लगा तो पीछे से उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपिटाई करके जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पति पर करंट लगाने का आरोप, पुलिस को दी शिकायत। खांडा गांव निवासी विवाहिता गीता ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसका पति उसे टॉर्चर कर रहा है। सुबह के समय जब वह सो रही थी तो उसके पति ने उसे करंट लगा दिया। झटके के बाद उसकी आँख खुल गई, जिसके बाद उसने बिजली का तार छीन कर फेंक दिया। इसके बाद उसका पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मां से ममता की राह अब है आसान। विश्व की नवीनतम तकनीक IVF व IUE द्वारा सफलता मिलास, 60% रिजल्ट की गारंटी, निसंतान दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति का तरीका, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, बच्चेदानी की रसोली का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी के ऑपरेशन, सभी प्रकार की ट्यूब खोलने व बंद करने का ऑपरेशन, हिस्टेरोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा गर्भाशय की जांच, बच्चेदानी की जांच व बच्चेदानी की झिल्ली मजबूत बनाने के लिए दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच। कंसल्ट डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत। खरखोदा शहर की एकमात्र डेवलप्ड सिटी, फेज 1 की तरह सुनहरे मौके का फायदा फेज 2 में भी उठाएं। नेक्स्ट सिटी सेक्टर 2 खरखोदा, अब फेज 2 में प्लाट लेने के लिए संपर्क करें। खरखोदा IMT, मारुति प्लांट, KMP व अन्य नेशनल हाईवे से बिल्कुल नजदीक, दिल्ली रोड सेक्टर 2 खरखोदा। कॉन्टैक्ट 9891701718।
बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मेरा नाम प्रिंसी है। मैं यहाँ पे फरवरी से मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ पे यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, बिकॉज सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है। इवन जो और लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसे यहाँ पे नहीं है कि एकदम से कोई भी आ रहा है, मतलब पहले बताया जाता है कि कोई आ रहा है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।